केही दिनदेखि बढेको अत्याधिक चिसोका कारण पर्सा लगायतका तराईका जिल्लाहरूमा चहल पहल कम हुन थालेको छ। ठेला रिक्सा, ई रिक्सा, टेम्पो, टाङ्गा लगायतका साधन चलाएर हिँड्नेहरूलाई निकै नै शास्ति हुन थालेको हो। बहुत ज्यादा ठण्डा लगता है। मेयर साहब जी तो व्यवस्था है कि ना आगे होगी के? आगे होगी के कहाँ यहाँ व्यवस्था है? कुछ नहीं के यहाँ देश के विकास नहीं के कुछ नहीं को आगे होगी व्यवस्था है कि ना? ना आगे होगी के कुछ के नहीं के व्यवस्था। कितना ठंडा बा? बहुत ज्यादा ठंडा बा यहाँ। काल ठंडा बा? काल ठंडा ज्यादा। आगे होगी व्यवस्था है कि ना? ना आगे की व्यवस्था कहाँ? मेयर साहब इस आगे व्यवस्था नहीं कहीं ले? ना ना चिसो बढेसँगै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहबाट आगो ताप्नलाई दाउराको व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। चिसो बढे पनि सम्बन्धित निकायले केही पहल नगर्दा फोहोर प्लास्टिक, कागज तथा काठको टुक्राहरू बालेर ताप्न बाध्य भएको स्थानीयले बताएका छन्। कितना ठंडा बा अभी पर्सा जिला में? बहुत ठंडा बा। स्थानीय सरकार लोग चाहे प्रशासन लोग आगे काठ की व्यवस्था की लगी ना? कोनो जुगाड़े नहीं छता, आदमी बहुत मर जाता है ठंडा का मारे। ऐसा नहीं कहीं व्यवस्था कही ले? ना, बहुत ठंडा बा। खाना बढ़ला से मेयर साहब की व्यवस्था की लगी ना? व्यवस्था नहीं हर कही ले? नहीं तो हमने के निजी लकड़ी आया। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारले समयमा काठ दाउरा उपलब्ध नगराएका कारण जनता शास्ति खेप्न बाध्य छन्। अत्याधिक चिसोकै कारण वीरगंज महानगरभित्र सञ्चालित विद्यालयहरू बन्द गर्नु परेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पर्सा सहकर्मी नितेश कण र क्यामेरामा ग्यासुमिया देवानको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।